मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया मंगलवार को भीषण हादसे का शिकार हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब मंत्री भिंड से ग्वालियर की ओर जा रहे थे। ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर के बाद उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक इस भीषण हादसे में मंत्री ओपीएस भदौरिया के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें ग्वालियर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक मंत्री जी की गाड़ी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के बाद ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए। खबरों के मुताबिक ये हादसा भिंड ग्वालियर हाईवे पर मालनपुर थाना इलाके के पास हुआ। हादसे के बाद मंत्री ओपीएस भदौरिया को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में आईसीयू में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स की माने तो फिलहाल मंत्री ओपीएस भदौरिया की हालत खतरे से बाहर है, साथ ही एमआरआई रिपोर्ट भी सामान्य आई है। मंत्री ओपीएस भदौरिया के पीए ने बताया कि सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए थे। मंगलवार को डबरा में मंत्री ओपीएस भदौरिया भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इसी कार्यक्रम से लौटते वक्त मंत्री जी की गाड़ी सड़क पर पलटे ट्रैक्टर से टकरा गई। गनीमत रही कि कार की एयरबैग खुलने से ज्यादा चोटें नहीं आईं। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।